गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी की गिरफ्तारी से बड़े खुलासे हुए हैं। उसके पास से डॉक्यूमेंट मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि वो कट्टरपंथी जाकिर नाइक का फैन है। आईआईटी पास मुर्तजा बेहद शातिर बताया जा रहा है। मुर्तजा के गजवातुल हिंद आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने वाले मुर्तजा के पास से सुरक्षा एजेंसियों को कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सूत्रों का दावा है कि आरोपी के बैग से मिली अरबी भाषा की मजहबी किताब में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा था। साथ ही उसके लैपटॉप से कट्टरपंथी जाकिर नाइक के कई वीडियो मिले हैं। मुर्तजा मुंबई और नेपाल के कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग करता था। अहमद मुर्तजा अब्बासी के तार आतंकवाद से जुड़ते दिख रहे हैं, जिसके बाद मामले की गहन जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस उसकी मदद करने वाले लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस के हाथ मुर्तजा के दो साथी लगे हैं। ये महाराजगंज के रहने वाले हैं। उन लोगों ने ही मुर्तजा को अपनी मोटरसाइकिल से गोरखनाथ मंदिर के बाहर छोड़ा था। एटीएस ने उनको महाराजगंज से हिरासत में ले लिया है। इनके अलावा भी छापेमारी में कुछ लोग पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। पकड़े गए लोगों में मिनहाज नाम का शख्स भी शामिल है। उससे एटीएस पूछताछ कर रही है। वो अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा हुआ है। मिनहाज को ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाने में महारत हासिल है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मिनहाज ने ही मुर्तजा का भी ब्रेन वॉश किया था। एटीएस का मानना है कि मुर्तजा को किसी आतंकी संगठन ने मोहरा बनाया है। किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये रिहर्सल किया गया है। घटना के वक्त मुर्तजा जिस तरह हथियार लिए सड़क से लेकर मंदिर परिसर में दौड़ रहा था, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर उसके पास फायर करने का कोई हथियार या बम होता तो वो क्या कर सकता था। घटना के वक्त उसके मुंह से निकला हुआ नारा अल्लाह हू अकबर, मैं चाहता हूं तुम मुझे गोली मार दो का मतलब साफ है कि वो मरने और मारने पर पूरी तरह उतारू था। मुर्तजा सोशल मीडिया व ऑनलाइन के जरिए सीरिया स्थित आईएसआईएस से जुड़े कुछ लोगों के संपर्क में था। उसके लैपटॉप में आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ी चीज़ें मिली हैं। अधिकारियों के मुताबिक मुर्तजा लोन वोल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था। मुर्तजा के मोबाइल फ़ोन से कुछ फतवे मिले हैं, जो इशारा करते हैं कि वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की नीयत से आया था। वो हथियार चलाने और लोन वोल्फ अटैक के तौर तरीकों के भी इंटरनेट पर सर्च करता था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।